सच साहस सरोकार। लखनऊ में वोटर लिस्ट में दिखी खामियां, मतदाताओं को हो रही हैं परेशानियां। संभल में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रशासन अलर्ट, संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गाजियाबाद में ग्राम वासियों ने लगाया आरोप, बिना कोई आदेश किए जा रही है कार्यवाही। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में खेल का होगा आयोजन, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा आयोजन। फतेहपुर में बेखौफ हुए दबंग युवक से किया अभद्रता, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, और जब बात दिमाग किया जाए तो सबसे पहले शतरंज का नाम आता है। ऐसे ही शतरंज के सुरमाओं का जमावड़ा गाजियाबाद के इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में लगने वाला है, जहाँ उत्तराखंड और यूपी सहित तमाम स्थानों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। ये आयोजन 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। खेल का आयोजन CBSE के गाइडलाइन के अनुसार होगा। जो बच्चे अच्छा खेलेंगे और स्थान प्राप्त करेंगे वो नेशनल कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड होगा, जो आगामी माह में चंडीगढ़ में खेला जाएगा। वही हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कपिल, अगर आप थोड़ा बताना चाहें। कपिल शिवालिक, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स हियर, और CBSE क्लस्टर्स के अंदर मैं टूर्नामेंट डायरेक्टर के हिसाब से काम करूंगा, डेजिग्नेटेड हूँ। और आपका क्वेश्चन था कि इसमें कितनी कैटेगरीज है, तो इसमें 4 एज कैटेगरीज हैं, दैट इज अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19। इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम पर ये भरोसा जताया है कि हम नॉर्थ जोन 1, जिसमें हमारे 17 जिले आते हैं जो उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में है और वेस्टर्न यूपी से है, वो सब जिले के CBSE एफिलेटेड स्कूल्स के बच्चे हमारे यहाँ चेस खेलेंगे और ये टूर्नामेंट कंडक्ट होगा। इसमें लगभग हमारे 122 स्कूल और 700 प्लस बच्चे आ रहे हैं, और ये टूर्नामेंट 3 दिन चलेगा। और हमारी ये आप सबसे गुजारिश है कि आप शतरंज को और बढ़ावा दीजिए और हमारे इस चैंपियनशिप को कवर करिए। आप लोग सब इनवाइटेड हैं, आप लोग कभी भी आके हमारे टूर्नामेंट कंडक्ट को देख। लगातार वोटर लिस्ट में खामियां देखने को मिल रही है। लिस्ट में मतदाताओं के नाम और उनके वार्ड का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि अधिकारियों के जल्दबाजी का खामियाजा मतदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला लखनऊ के चेतनपुरवा गांव से सामने आया है, जहां के निवासियों का साफ कहना है कि उनका गाँव नगर निगम सीमा के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में आता है, लेकिन अधिकारियों की गलती से हम लोगों को जोन 7 में शहीद भगत सिंह तृतीय वार्ड में मतदाता बना दिया गया, जबकि जानकीपुरम तृतीय वार्ड की मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए था। इस पूरे मामले की शिकायत पूर्व प्रधान योगेंद्र यादव और डॉक्टर संतोष रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। समाज सेवी विवेक शर्मा ने ट्वीट और पत्र के माध्यम से जनता की समस्या को ADM वित्त और SCM पंच को समाधान करने के लिए कहा है। बार वोटर हुए हैं और ये जानकीपुरम तृतीय में हमारे लोग का वोट पड़ना था, लेकिन ये भगत सिंह तृतीय में कर दिया गया, द्वितीय में, जो कि जो यहाँ का जीतेगा जो द्वितीय से यहाँ कार्य थोड़ी करेगा और यहाँ पर विकास कार्य कम होंगे, इसलिए प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि इसको जानकीपुर तृतीय में डाला जाए। सिंह साहब के यहाँ पर और 7 में भी मैं गया, लगातार मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कि आप जाके नगर निगम में ये आप कराइए, इनकी साइन भी कराइए। हमने सबके पास जाके मैंने उस चीज़ को कराया भी, और कराने के बाद मैं खुद चल चल के मैं सबके सारे अधिकारियों के पास जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी है कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जैसे कि तैसा हुआ कहीं हमको जोन 3 से हमको 7 में भेजा जा रहा, 7 वाले जोन 3 में भेज
नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का कार्य किया जा रहा था, सभी जगह पर बीएलओ की तैनाती की गई थी। हर बूथ लेवल को लेकर के जितने भी मतदाता सूची में जिनका नाम छूटा था उनके नाम को जोड़ने के लिए कवायद की गई थी। उसके बाद भी मामला सिफर रहा कहीं ना कहीं, तो हर वार्डों में अभी भी मतदाताओं के नाम छूटे हुए हैं। हम जानकीपुरम तृतीय वार्ड के चेतनपुरवा गांव में इसमें मौजूद हैं। यहां पर जो यहां के जो मतदाता हैं तक लगभग यहां पर 300 मतदाता हैं जिनका नाम अब की बार प्रथम बार जानकीपुरम तृतीय वार्ड में आया है। अभी तक यहां ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, अब पहली बार ये जानकीपुरम तृतीय में 8 गांव जो शामिल हुए हैं उसमें से चेतनपुरवा एक गाँव है। यहां के निवासी जो लगभग 300 निवासी हैं उनका जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं नगर निकाय चुनाव का, लेकिन इनका ये आरोप है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वोटर लिस्ट जो नाम अब की बार आए वो जानकीपुरम तृतीय वार्ड में है, लेकिन हम लोगों का जो है वोटर लिस्ट जो है गलती से शहीद भगत सिंह वार्ड में कर दिया गया है, तो हम वहाँ वोट देने कैसे जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की गड़बड़ी हुई और कहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है और कहाँ चुनाव हो रहा है। मैं डॉक्टर संतोष, मैं प्रत्याशी भी हूँ, साथ साथ दूसरी चीज़ है, मैं गांव के अंदर जब मैं बीच में आया तो यहाँ के गांव के लोग कहने लगे कि मेरा वोट तो शहीद भगत सिंह में है और मैं शहीद, मेरा वोट जो मैं रहता हूँ जानकीपुर तृतीय में, तो मैं वोट कैसे वहाँ करने जाऊँ, मैं वहाँ वोट नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग गांव की जनता के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग अपील करते हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारा जो वोट है, जो जानकीपुर तृतीय में ही किया जाए और हम इसके लिए ही आप लोगों के बीच में आपके साथ हूँ। और आप यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो द्वितीय में जो हमारा शहीद भगत सिंह में जो वोट हमारा है उसको काट के हमारे जानकीपुर तृतीय में किया जाए। हमारे साथ इस गांव के चेतनपुरवा गांव के जो पहले ग्राम प्रधान रहे उनसे एक बार जानेंगे कि आखिर यहां पर क्या समस्या उत्पन्न हुई जो यहां पे वोटर हैं, प्रधान जी 300 वोटर हैं उनका ये जानकीपुर तृतीय वार्ड में आ रहा है नाम, तो अभी आपका चुनाव जो मतदान होगा वो मतदान केंद्र कहीं और जा रहा है किसी और वार्ड में, क्या कहेंगे इसको? ऐसे बोलिए जल्दी। मैं पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह यादव हूँ, मेरा गाँव तृतीय में है और वोट द्वितीय में पड़ रही, इसलिए उधर का जो जीतेगा मेरा काम भी नहीं करेगा, कहेगा वो तो उधर पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा नाम, मेरी वार्ड किसी तृतीय में जोड़ दी जाए, कर दिया जाए। यहां के कुछ और मतदाता हैं, हम उनसे बात करेंगे जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और वो जानकीपुरम तृतीय में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। इनका साफ कहना है कि हमारा जो है ये वार्ड काट करके शहीद भगत सिंह में कर दिया गया, जबकि हम लोग जानकीपुरम तृतीय वार्ड में हैं। कुछ युवा हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस गांव के जो पहली बार अपने मत का प्रयोग नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले नगर निकाय चुनाव में करेंगे, क्या कहेंगे? आपका नाम, आपका नाम तृतीय में था और शहीद भगत सिंह वार्ड में चला गया, किसकी खामियां है? मेरा नाम राजकुमार गौतम है, जो कि मैं चेतनपुरवा गांव में रहता हूं और बीएलओ जी की कमियों की वजह से या प्रशासन की कमियों की वजह से मेरा जो वोटर लिस्ट और मेरा जहां नाम है हम गांव वासियों का, वो शहीद भगत सिंह वार्ड द्वितीय में चला गया है, जो कि मैं चाहता हूं मेरा गांव प्रधान जी के सपोर्ट में हम लोग बात अपने तृतीय वार्ड में वोट डालना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ये बात रखने की कोशिश की कि शासन और प्रशासन इस बात को थोड़ा संज्ञान ले। कितने 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 वोटर हैं इस गांव में, कितने लोग, कितने वोटर हैं? लगभग 300 होंगे। तो क्या अभी समस्या आ रही, सबसे बड़ी समस्या क्या? समस्या यही है कि यहां पे सुनवाई ही नहीं होती एक तरीके से देखा जाए तो। ये बीएलओ जो है ये काम तो उनका है एक प्रकार से कि वो लोग जो है हमारे वार्ड की वोटें इधर रखे और उधर की वार्ड उधर रहे, तो समस्या ये है कि वो लोग अगर इस बात पर ध्यान दें तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपने देखा कि जानकीपुरम तृतीय वार्ड के लोग थे यहाँ पर, इनका ये साफ तौर पर आरोप है बीएलओ के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि इनका नाम जानकीपुरम तृतीय से हटा करके और शहीद भगत सिंह वार्ड में कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये परेशान हैं वोट देने के लिए। मतदाता पहली बार ये मतदान का प्रयोग करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र था अभी तक, अब ये पहली बार जानकीपुरम तृतीय में 8 गाँव में जो नाम शामिल हुए ये चेतनपुरवा गाँव भी आया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और खासा नाराज़ हैं प्रशासन के ऊपर और बीएलओ के ऊपर, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं किए, इसी वजह से 300 नामों में गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं जो नाम यहाँ से लेकर के दूसरे वार्ड में चले गए हैं, तो इसका खामियाजा इन गाँव वालों को भुगतना पड़ेगा। अब आगे देखना होगा कि अधिकारी और प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट दिखा, वही संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने प्रशिक्षण प्रदान करते समय बताया कि प्रत्याशियों को किस प्रकार से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करते समय क्या सावधानियाँ रहेगी।
गाजियाबाद में भूलेख पर शमशान घाट दर्ज है, फिर भी नगर निगम प्रशासन दाह संस्कार करने का विरोध लगातार कर रहा है। वहीं हरसाव ग्राम वासियों का कहना है कि गांव का प्राचीन शमशान घाट है जिसके पपत्र भूलेख में दस्तावेज दर्ज है, जिसके बाद ग्राम वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह 30 साल पुराना मामला है जिसमें प्रशासन द्वारा हमें कोई मदद नहीं दी जा रही है। प्रशासन द्वारा बिना किसी आदेश के हम पर कार्यवाही की जा रही है जो कि सरासर गलत है। फतेहपुर में दबंगों को पुलिस का कोई डर नहीं है, बेखौफ दबंग पुलिस के सामने अभद्रता कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने जान माल की सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि खकेरू निवासी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव के कुछ लोग उनकी हत्या कर सकते हैं और वायरल वीडियो में दबंगों ने पुलिस के सामने ही पीड़ित से अभद्रता की है। दिया गया था खेत में खड़ी फसल में नष्ट किया है, उसके बाद उप निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा जांच के लिए आए थे। जांच के दौरान ही अरविंद शुक्ला जो युवक वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ साफ माँ बहन की गालियां दे रहा, जान से मारने की धमकी दे रहा, लेकिन उप निरीक्षक खड़े खड़े देखते रह गए। इसके बाद मुझे थाने बुलाया गया, वहाँ बैठा कर लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। अरविंद कुमार उप निरीक्षक व नरेंद्र प्रताप सिंह कांस्टेबल जो हैं उनके द्वारा मुझे मारा पीटा गया। अभी मेरे पेट में चोट भी है, जिसे भद्दी भद्दी गालियां दी गए। रायबरेली में थाना भदोखर व थाना मिल एरिया दिल्ली हार बंद्रा मऊ पूजा बेगफील्ड के पास खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जेसीबी से मिट्टी को खोदकर ट्रैक्टर से थाना भदोखर के बेहटा में नहर पटरी पर निजी आवासीय प्लाट पर भेजा जा रहा है। खनन का खेल प्रशासन की मिली भगत से खेला जा रहा है। ये है कि हम लोग जो है नवीन काडा बिल्डर है रोशन लाल, उनके द्वारा जो है उन्होंने मकान खरीदा था, उन्होंने बताया था कि पार्क देने का वादा किया था जिसमें कि बच्चे खेलेंगे और डेवलप करके देंगे। हम लोगों ने मकान खरीद लिया, जब उनसे 2 साल हो गए खरीद लिया, जब उनसे हम लोग पार्क की डिमांड करते थे कहते हैं हम बना कर रहे करके दे रहे हैं। शिवम सिटी कॉलोनी है जिसमें हम लोग लगभग 2 साल से रह रहे हैं और जो बिल्डर हैं रोशन लाल, नवीन काडला और ये ओमी काडला, उन लोगों से हम लोगों ने मकान लिया था। मकान लेने के पहले उन लोगों ने हम लोग से ये वादा किया था कि पार्क बना के देंगे और सब करके देंगे और दिवाली ऊंची करके देंगे, गार्ड देंगे, कोई सुविधा उन्होंने दी, जितनी भी सुविधाएं जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग स्वयं ले रहे हैं। और ये पार्क जब उन्होंने बनाने को कहा था पार्क नहीं दिया, हम लोगों ने पार्क की ज़मीन ली, उन्होंने कहा इस पर आगे पार्क है, पार्क ले ली ज़मीन। निवासी हैं हम लोग, यहाँ 2 साल पहले घर लिए थे सभी लोग, और जब बिल्डर लोगों ने हमसे जब घर ले रहे थे तब बताया था कि पार्क है, सब है, सड़क देंगे, सब देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। परसों ये लोग सब लोग आए, आके कब्जा करने लगे कि हटाइए, ये फूल वगैरह सब तोड़ दिया, हमारे बेंच वगैरह सब गिराई, यहाँ से हटाइए, कब्जा करने लगे और गाली गलौज हाथापाई बहुत बहुत हुआ। फिर हम लोग सब लोग चल के है ना, हम लोग रेडी सब लोग, हम लोग सब मिलके आपस में सब उनको बोले और लड़ाई झगड़ा हम लोग सबूत भी दिखा सकते। रायबरेली में शहर कोतवाली थाना इलाके के नेहरू नगर के पास मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग लोहे की रॉड, बेल्ट और एक दूसरे घातक हथियारों से सरेआम पिटाई कर रहे हैं। दबंगई कर रहे लोगों का वीडियो वायरल होते पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। बता दें कि इससे पहले भी कई मारपीट के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनपे पुलिस कार्यवाही कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime.